तो संतों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, दुष्टों को प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और फिर ये कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाऊं, भगवान को पाने के लिए ये एक सूत्र है बंधु, बहुत सुंदर। कौन सा? कि सबको भगवान मानना है। क्या मानना है सबको? भगवान। सिया राम मैं सब जग जाने, इससे बड़ा भगवत प्राप्ति का और कोई सूत्र नहीं है कि हर व्यापक सर्वत्र समान। जब तक हम केवल एक जगह एक मूर्ति में भगवान को देखेंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक हम हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ में, देखो प्रहलाद जी ने खंभे में भगवान को प्रकट किया था कि नहीं प्रकट किया? भगवान तो मूर्ति में उस समय मंदिर में हो, लेकिन हाँ सुनी हाँ कन हरी जागे और प्रीति प्रतीति भये तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। प्रीति प्रतीति भई तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? जब से प्रहलाद जी ने खंभे में भगवान को प्रकट करके दिखाया। हर व्यक्ति हर वस्तु हर पदार्थ पूजनीय, यही परम हंस बनने की विधा है। अपने को सबसे छोटा, तिनके से भी छोटा, इतना नीचे मान लो अपने को कि कहीं गिरने का खतरा नहीं। जो जमीन पे बैठा वो कहाँ गिरेगा? जो ऊंचाई पर अपने को मानेगा उसे तो खतरा है गिरने का, लेकिन जो जमीन पर अपने को मान रहा वो कहाँ गिरेगा? माने अपने को छोटा मान लो। और जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान कहते हैं गई बहोर गरीब निवाजी, सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जो भी आ जाता है। विभीषण आए तो जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण नहीं सब कुछ दीन रघुनाथ। दशानन ने अपने सिर को फूल की तरह काट काट करके रावण ने शंकर जी के चरणों में समर्पित किया था। हम लोग तो 2 रुपए 10 रुपए भी भगवान को 2 फूल भी नहीं चढ़ा पाते, लेकिन रावण ने तो अपना सिर काट काट के चढ़ाया, बड़ी बात है। लेकिन तो उसे क्या मिला? लंका का राज। लेकिन विभीषण वही मात्र राम की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं तो राम जी देते तो हैं, लेकिन संकोच करके कि ये क्या सोचेंगे विभीषण कि इन्हें हम कुछ दे रहे हैं, कहीं संकोच ना लगे। और राम जी संकुचित होकर दे रहे हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, राम जी अमीर बंधु नहीं है, गरीब बंधु है, दीन बंधु। विभीषण तो अपमानित थे तो दीन बनकर गए। और देखो जो राज्य गया था वो सब कुछ भीषण को मिला, सुग्रीव के पास कुछ भी नहीं था, स्त्री को भी रख लिया था बाली ने, राज भी छीन लिया था। लेकिन राम जी के जब शरणागत हुए हनुमान जी की कृपा से, तब भगवान राम ने पावा राज कोष पुर नारी। कथा बहुत ध्यान से सुनिए, पावा राज कोष पुर नारी, राज धन संपत्ति स्त्री सब पा गया सुग्रीव। राम जी गई बहोर गरीब, बहोर गरीब निवाज, माने जो आपके जीवन में खो गया आपका सम्मान, आप कलंकित हो गए हैं, समाज से बहिष्कृत हो गए हैं, आपका धन चला गया है, आपका कोई बंधु खो गया है, राम जी के शरणागत हो जाओ, विश्वास कर लो। और उसके बाद स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, लेकिन क्या कहते हैं अपने को? अवगुणी कहते हैं, बहुत ध्यान देना। जाओ अपने अवगुण सब काम, बाढ़े कथा पार नहीं लागा। थोड़ी सी
चाहे विद्वता आ जाए, चाहे ज्ञान आ जाए, चाहे पैसा आ जाए, हम नीच मनुष्यों को अभिमान आ ही जाता, हम नीच मनुष्यों को अभिमान छू ही लेता, जरा सा कुछ मिल जाता, चाहे ज्ञान चाहे धन, जबकि वो पूर्ण नहीं है। राम चरित्र मानस में भरत के लिए आया है बस, तात भरत तुम सब विधि साधु। कोई साधु भी होगा तो सब प्रकार से नहीं होगा, किसी में काम छुपा होगा, किसी में क्रोध छुपा होगा, किसी में लोभ छुपा होगा, किसी में अहंकार छुपा होगा, सब प्रकार से कोई साधु जल्दी नहीं मिलेगा। और जो सब प्रकार से साधु हो जाएगा वो निरहंकार हो जाएगा, वो अपने को छोटा मान लेगा। और जो छोटा अपने को मानता है और गाय के छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े होए घर खाए, छोटा बछड़ा होता है तो गाय भी उसे दूध पिलाती, नहीं तो उसी का बेटा बड़ा हो जाता, तो खरपतवार डाल के खाओ तो भी उसे। इसलिए छोटा बनने में ही बड़प्पन है, जो अपने को छोटा मानता है वास्तविक रूप में वही बड़ा बनता है। ये कथा अगर एक सूत्र भी हम पकड़ लेंगे ना, तो चाहे घर में हो, चाहे किसी अफसर ऑफिस में हो, चाहे दफ्तर में, जहाँ भी आप जाएंगे, आप चाहे किसी मकान में होंगे, चाहे दुकान में होंगे, सब व्यापारी होंगे, सब बढ़िया चलेगा। चाहे आप कहीं भी होंगे, आपको सबसे अधिक सम्मान मिलेगा। यदि आप अपने को छोटा मान करके चलेंगे तो आप ही सचमुच बड़े बन जाएंगे। यही राम कथा सुनने और सुनाने का यही फल है। और फिर अयोध्या धाम को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी अपने को तो कहते हैं, मैं इतना अवगुणी हूँ कि अगर पूरे गुणों की कथा कहूँ तो कथा राम जी की शुरू नहीं हो पाएगी, हमारे अवगुण इतने ज्यादा हैं। और सचमुच जो अपने अवगुणों का बखान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो अपने गुणों का बखान करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बंदवापुरी सारी पल खलो सन सावन।
वासी अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हैं। बंधु अवधपुरी अति पावन, इतनी पवित्र है, अति पवित्र। अच्छा, अति पवित्र क्यों है अयोध्यापुरी? इसलिए क्योंकि सप्तपुरियों में मस्तक है अयोध्यापुरी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भगवान श्री हरि के चक्र पर स्थित है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा है, कर रही है अयोध्यापुरी, पृथ्वी में स्पर्श मूल रूप से नहीं कर रही, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भगवान श्री हरि के चक्र पर अयोध्यापुरी स्थित है। और ये ब्रह्मा जी के मानस सर से प्रकट हुई है, इसलिए वहां पे जो नदी है उसका नाम है सरयू। ब्रह्मा जी के मानस मन रूपी सर से प्रकट हुई है, इसलिए उसका नाम सरयू। और यहां तक कहा गया कि हजार मनवंतर कोई काशी में निवास करे और मथुरा में एक कल्प निवास करें, और 60,000 वर्षों तक अगर गंगा में स्नान करता रहे, गंगा पान करता रहे, तो भी एक पल सरयू में अयोध्यापुरी में रहकर सरयू को वंदना प्रणाम करके जो फल प्राप्त होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल और थल दोनों को प्रणाम किया। तरस परस मज्जहि अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराणा। वेद पुराण कह रहे हैं कि जो भी सरयू में स्नान करता है या प्रणाम करता है या केवल आचमन भी कर लेता है या जा रहा है कहीं, अगर समय नहीं है लेकिन कोई नदी दिख जाए तो एक दो मिनट रुक करके वहीं से प्रणाम करो, दर्शन करो, और अगर नहीं करते तो अपराध है, पाप लगता है। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरे पाप का वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि अगर किसी पुण्य नदी का अगर आप अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हो, ना तो दर्शन करते हो, ना प्रणाम करते हो, ना स्नान करते हो, कम से कम कुछ तो करो, नहीं तो दर्शन ही कर लो, परस कर लो, तब आगे बढ़ो, नहीं तो आपको पाप का भागीदार हो। ऐसे सरयू मैया को प्रणाम किया, अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया, माता कौशल्या को प्रणाम किया, चारों भैया को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, और हम भी दो पंक्ति से प्रणाम करते हैं। Oh, my God.
अयोध्यापुरी को वंदना किया। माँ को, सभी माताओं को, दशरथ जी को, चारों भाइयों को, विदेहराज को, जानकी मैया को, सबको प्रणाम किया। राम जी के सभी संबंधी हैं, किसी के तो राम जी बेटा है, किसी के राम जी भैया है, किसी के राम जी पति हैं। माँ ने भगवान से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें संबंध बनाना है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भगवान से आपका क्या संबंध है तो क्या बताएंगे? अवाक रह जाएंगे बहुत लोग, तो क्यों, जिसने कोई संबंध ही नहीं बनाया वही अचानक क्या बताएगा, हमारे क्या लगते हैं राम जी। साधना बहुत दुर्लभ है कलिकाल में, इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए फिर क्या करना है, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है। सरल और एक सहज साधन जो है वो ये है कि भगवान से संबंध मान लेना। संबंध मान लोगे तो जीते जी आपकी समाधि लग जाएगी, क्यों, क्योंकि भगवान से हमारा नाता होगा, नाता एक राम जी से। अगर कोई संबंध नहीं है तो आप किसी के घर नहीं जा सकते, बहुत लोग दुनिया में हैं लेकिन हमारा संबंध नहीं तो हमें उस घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कहाँ से आए भैया? अरे वहां से आए, आए हैं एक रात ठहरना है, कोई ठहराएगा? आदमी तो सोचेगा कोई चोर है लुटेरा, इसे अपने घर में भागो, यहाँ जगह नहीं है। लेकिन जरा सोचो अगर आपका दामाद आ जाए, फिर आपका दामाद आ जाए, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी की सेवा होती है, किसी का सम्मान होता है तो वो दामाद। कम से कम भगवान को इतना सम्मान तो दामाद की तरह तो दे। पैसा नहीं है उधार बगल वाले से, रे जरूरी काम है, हमें 2000 रुपये चिकाए। दामाद जी आए अचानक, आ गए, पता नहीं था, अरे ये लाना, फल लाना है, मेवे लाने, अरे ये है वो, अच्छा भोजन, कचौड़ी पकौड़ी बनाना, आए के लिए दामाद जी आए। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा संबंध है, मधुर संबंध है। हमारी बेटी की रखवाली करता है, उसकी सारी पूर्ति करता है, उसको अपने हृदय में जगह देता है। सोचो जरा, जिस परमात्मा ने हमें शरीर ही दे दिया, जिनकी कृपा से बेटा भी मिला, दामाद भी मिला, बहू भी मिली, बेटी भी मिली, क्या उस भगवान के लिए हम कोई संबंध ना बनाए? फिर आज आप कथा सुनकर जाना तो सोने से पहले ये विचार करना कि क्या बनाओ राम जी को, और फिर सचमुच एक संबंध जोड़ लेना। फिर आपको कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, फिर तो राम जी हमारे संबंधी हो गए, आना जाना लगा रहेगा, संबंधी हो गए तो रात में सोते समय चार अकेले बैठे हो तो भगवान से बातें करो, प्रभु जो समस्या है वो भी उन्हें अगर नहीं है तो चलो ठीक है, उन्हें ही सुनाओ, क्या करूं, आप ही तो हमारे सबसे बड़े संबंधी हो, बाकी तो सब यहाँ कुछ ही दिनों के मेहमान, आप तो थे हैं और आगे जीवन के बाद भी आप ही संबंधी रहेंगे। माने कि ये जो दशरथ जी पिता बन के आए, कौशल्या सुमित्रा कह के ही मैया माता बन के आई, संबंधी अगर है कोई तभी हम उस वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके घर तक जा सकते हैं, तो हम क्यों ना एक फायदे का सौदा कर ले राम जी से भी अपना संबंध। फिर आप पूजा करो ना करो चलेगा, लेकिन संबंध जरूर बनाना, भगवान से संबंध जरूर जोड़ना, और फिर देखना राम जी के प्रति आपका प्रेम कैसा जलता है। ये दृढ़ विश्वास करना, विश्वास और एक संबंध, संबंध के नाते क्या नहीं मिलता साहब। एक संत थे वृंदावन में, एक संत, वो वृंदावन की गलियों में इधर उधर बैठ के दिन भर भगवान का नाम जपते और गिना करते कितनी माला की दिन भर।
थी 2000 माला हुई, आज 10000 माला हुई। गिना करते उधर से एक ग्वालिन निकली, दूध ले लो दही ले लो मक्खन ले लो, दूध ले लो दही ले लो मक्खन ले लो। ग्वालिन कैसे है, दूध कितने रुपए लीटर है? नहीं इतने का है, 1 रुपए लीटर इतने का है, इतने का है, ये दूध है ये दही है, इतने में दही मिल रहा है इतने में घी मिल रहा है, अच्छा ला हमको 2 लीटर दूध दे दो। लोग खरीदने लगे, बिकने लगा, और जब कई लोग चले गए तो एक आदमी आया उसके पास, ग्वालिन के पास। वो केवल बर्तन लेके आया, वो तो मुस्कुरा करके ग्वालिन ने पूछी कहां से आ रहे हो, कितना लोगे? उसके मुख मंडल को देख करके बस वो दूर डालती जा रही थी, उसका मुख देखे जा रही थी। जब भर गया उसका मटका घड़ा तो कहा बस अरे मटका तो भर गया, आपने पूरा भर दिया, क्या हुआ तुम ले जाओ ना। ये दृश्य वो संत देख रहे थे, संत से रहा नहीं गया कि सब आए तो ये पूछ पूछ के बेच रही है, इतने में देंगे, इतना लेना हो तो लो नहीं तो जाओ भैया इससे कम नहीं करेंगे दूध, इतना के दही इतना ही दाम लगेगा, इतने का ही घी लगेगा, इसे कम नहीं कर पाएंगे, लेना हो ले नहीं तो नहीं, और बराबर नाप के थोड़ा ज्यादा भी नहीं दे रही। और ये कौन सा आदमी है इसको भर भर के इसका पूरा मटका ही भर दिया। उसने कहा कि ये मेरा याद है, ये मेरा प्रेमी है, इसलिए मैंने इसे भर भर के दे दिया, पूछा भी नहीं। संत के नेत्रों में अश्रु आ गए, रोने लगे। ये संसार की यारी के नाते, संसार की यारी प्रेम के नाते इस ग्वालिन ने एक बार नहीं पूछा कि तुम कौन लगते हो, कहां से आए हो, कितना चाहिए। और मैंने भगवान का नाम तो जपा लेकिन कोई संबंध ना बनाया, और संबंध बना लेता मैं तो गिनगन करके जप रहा हूँ भगवान का नाम। ये तो एक संसार के व्यक्ति को बिना गिने दूध दिए जा रही है, दही दिए जा रही है, अरे मेरे तो भाग्य फूटे थे कि मैंने भगवान से कोई संबंध ना। माला वाला छोड़ दिया संत ने, अश्रु धारा गलने लगी नेत्रों से, और ये मान लिया कि जब ये ग्वालिन एक इंसान को अपना प्रेमी मान सकती है, इतना कुछ दे सकती है, तो हम भी क्यों ना भगवान को अपना प्रियतम मान लें, क्यों ना अपना स्वामी मान लें, क्यों ना हम अपना सखा मान लें। फिर तो उन संत की मति गति ही बदल गई, दिन रात आंसू बहाते भगवान की याद में, उन्हें उनके रोम रोम पुलकित रहते, और भगवान फिर योग क्षेम वहां में हम उनका भरण पोषण संत का भगवान करते, दर्शन भी देते, उनके साथ प्रेमी की तरह व्यवहार करते। ऐसा तो भगवान राम है जरा सोचो, लेकिन उनके भी माता हैं, जिन्हें विरचि बड़े भयो विदाता। राम जी तो भगवान हैं, लेकिन उनके भी है माता पिता की नहीं, और संबंधी के नाते राम जी मात पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता मान लिया। दशरथ कौशल्या ने अपना कि हमारे पुत्र हैं, तो राम जी उनको उठकर के सुबह प्रणाम करने लगे। बस यहाँ उदयपुरी को प्रणाम करने का मतलब ये कि आप भी आ जाना तो भगवान से कोई संबंध जोड़ना, और जरूर जोड़ना, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में 3 आदमी है, चौथा भगवान को मान लेना, यही भक्ति है। मेरे घर में तो भगवान भी हैं, हम 3 नहीं हम तो 4 हैं, हम 2 नहीं हम 3 हैं। एक भगवान को मानना कि वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 18वें दोहे के बाद श्री राम नाम को प्रणाम किया। आइए हम सब भी भगवान के पावन नाम को प्रणाम करते हैं चौपाइयों में। बंदो नाम राम प्रभु मन को, बंदो नाम राम प्रभु
बाद बाल कांड में वो स्वामी तुलसीदास जी राम नाम को प्रणाम करते। राम नाम को बंदव नाम राम रघुवर को, जो रघु के कुल में वर माने श्रेष्ठ हुए उनके नाम राम को प्रणाम। और ये किसके समान है? हे तू कृषाण, कृषाण माने अग्नि। अगर देखो राम, राम में क्या है, राम आ के बिना कोई शब्द बनेगा? आप जरा कहकर देखो, आ के बिना कोई शब्द बनेगा ही नहीं। रकार, आप किसी का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ संसार में कोई भी नाम लो, आप बिना आ के नहीं है। आके बिना कोई नाम सिद्ध होगा ही नहीं। और कृषाण, कृषाण के समान, पाप को जलाने के लिए राम नाम कृषाणों के समान। अग्नि जैसे रुई के ढेर को जला देती है एक पल में, ऐसे ही भगवान राम का नाम समस्त पापों को जला देता है। लेकिन अगर कृषाणों में री नहीं है, रा नहीं है, तो क्या होगा? कसान, क्या होगा? कसान, कृषाण, रा निकाल दो, राम, रकार अकार निकाल दो, तो क्या बचेगा? कसान। और कसानों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब? कृषाणों माने अग्नि, तो पाप को जलाने के लिए राम नाम अग्नि के समान है। हे तू कृषाण भान, और ज्ञान देने के लिए सूर्य के समान, चाहे कितना भी अंधेरा कई दिनों से, रात की चाहे जितनी देर की हो, चाहे जितना घना कोहरा हो, लेकिन अगर सूर्य निकल आएगा तो कोहरा नष्ट हो जाएगा। भानु माने ज्ञान को देने के लिए, भानु हिमकर को, रा रकार अकार मकार, तो भानु के समान है ज्ञान देने के लिए राम नाम। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि ते बुद्धि योगं ते माम पयान्ति ते। गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको ज्ञान चाहिए, बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने, फिर क्या करना है? केवल प्रीति पूर्वक निरंतर भगवान के नाम का जप करना, बस। क्या करना है? प्रीति सहित भजतां प्रीति पूर्वकम। लोग कहते हैं कि प्रेम कैसे किया जाए भगवान से, प्रेम की बहुत बड़ी महिमा है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, प्रेम जानते हैं कैसे भगवान से प्रेम करना होता है? आपका बालक स्कूल गया है, आपको स्कूटर से लेने जाना है, 2 बजे बालक की छुट्टी होती है, अरे ये तो 2 बज गया, बालक को लाने जाना, अरे आ रहा होगा बेटा बेटी, आ रही होगी, कुछ तो बना के रखे। ऐसी ही चिंता भगवान के लिए हो जाए, उनके नाम के लिए हो जाए। पति परदेश गया, आने वाला, अरे कब आएंगे आप, बात हो रही है, उसके लिए सुंदर भोजन बना के, पति शाम को भोजन करेंगे, ऑफिस से आएंगे, अच्छे अच्छे भोजन बना के रखती हैं। ऐसे ही भाव भगवान के लिए हो जाए, यही है प्रेम। और जो प्रेम के सहित भगवान को भजेगा, उसको भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, माने दे दिया। आपको बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तो केवल भगवान के नाम का जप करिए। और ये सरल सा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर पल तो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, फिर क्या करें? कोई ग्राहक आया है तो उसे भगवान मानिए कि भगवान आए हैं। रैदास जी ने उसी जूते में भगवान को किए, को भगवान पहनेंगे। कबीरदास जी कपड़ा बुनते थे, मेरे राम जी पहनेंगे।
कोई पगड़ी धर्म नहीं है, भगवत प्रेम कोई पगड़ी नहीं है कि आप व्यापार में जाएंगे तो बेईमानी करेंगे, किसी पद पर है तो बेईमानी करेंगे और घर में आएंगे तो ईमानदारी से बात करेंगे। ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। कोई भी दुकानदार, कोई भी ग्राहक आए तो दुकानदार को समझना चाहिए कि मेरे घर भगवान आए हैं, मेरे द्वार पर उतना कमाना कि जितना दाल में नमक पड़ता है, ये नहीं कि नमक में दाल मिला गया। यही प्रेम है भगवान से, यही भगवान से जुड़ने का एक मार्ग है। तो हेत कृषानु भानु हिम कर को, हिम कर माने भगवान का नाम जो सतत जपता है उसको शांति सहज में मिल जाती है। आज बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सब कुछ है लेकिन घर में शांति जाने कहाँ चली। इतना परेशान कोई नहीं है कि वो शाम तक भोजन नहीं पाएगा, शायद कोई कि उसे शाम तक भोजन नहीं मिला। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दूध दिए तो को अन्न भी दे है, और जल में थल में पशु पक्षिन को जो लेते हैं सुधि वो तेरी भी ले है। अरे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ। ऐसे भगवान को केवल भजना है तो हिमकर जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है रात्रि के समय, कुछ शीतलता दिन की अपेक्षा बढ़ जाती है। ऐसे ही आपका सामान्य जीवन चल रहा है उसमें हरि स्मरण, आपको जो भी नाम भगवान के प्रिय हो उनका स्मरण करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, गाएं, तो आपको उसके बदले में शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, आपके पाप नष्ट होंगे, आपका भाग्य जगेगा। और इस नाम को जप करके बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं आदि कवि वाल्मीकि जी का चरित्र कौन नहीं जानता था, कितनी हत्याएं की पता नहीं, खबर नहीं किसी को, गिनी चुनी नहीं। वाल्मीकि जी की तरह किसी ने कोई पाप ही नहीं किया होगा, लेकिन जब सप्त ऋषियों को जंगल में मारने के लिए पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले घर में पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप में घर वाले भी भागीदार होंगे। बांधकर सप्त ऋषियों को वाल्मीकि जी घर गए, पत्नी से पूछा देवी तुम्हारे और बच्चों के लिए तो मारता पीटता हूँ लोगों को, तो हमारे पाप में भागीदार होंगे आप लोग। पत्नी बच्चे बोले हम क्यों होंगे, हमको क्या पता आप कहाँ से लाते हैं, हम लोग कितने हैं, भीतर से कैसा मन मलिन हो गया है कि अपने बच्चों और परिवार के लिए इतना इतनी बेईमानी, इतना बुरा काम करते हैं, जबकि बंटवारा कोई नहीं करने वाला है पाप में। वाल्मीकि जी को ये ज्ञान हुआ, सब ऋषियों को खोल दिया, चरणों पर गिर पड़े, हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। सप्त ऋषियों ने सोचा नारद जी के समेत कि इससे कोई साधन जब तब तो होगा नहीं, फिर राम नाम बताया लेकिन राम नाम भी नहीं निकला, निकला क्या मराम राम राम। और राम जी का नाम ही ऐसा है जो उल्टा भी कहोगे तो सीधा फल देगा, और किसी भी देवी देवता का आप नाम लेंगे तो उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, मिलेगा ही। लेकिन राम नाम भाय कुभाय अनघ आलसहु नाम जपत मंगल दिसिलसम, कहां कहां मंगल होगा अगर राम नाम लेंगे आप तो पता है दशों दिशाएं मंगल करेंगी, हमारा हमारे मन से बुरे विचार नष्ट हो जाएंगे, अपने आप सौभाग्य जग जाएगा। कैसे भी भाव से कुभाव से आलस्य से बैठे ठाड़े पड़े उताने और राम भजे सो बड़े सहाने, राम नाम सबसे। केवल अंत समय में यही बताते हैं लोग शव यात्रा में निकल करके पीछे पीछे राम नाम सत्य है यही कहकर बताते हैं कि राम नाम भी सत्य है, बाकी ये तो यही जल जाएगा राम का नाम। अच्छा राम जी ने तो केवल दंडक वन को सुहावन पावन किया था,
लेकिन राम का नाम आज भी भक्तों के मन को पवित्र कर रहा है। तंतक वन प्रभु कीन सुहावन और जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान का नाम राम से भी बड़ा, राम से भी बड़ा राम जी का नाम है, क्योंकि राम जी ने राम एक तापस तियतारी, नाम गोटी खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा था, लेकिन राम का नाम सबके मन को पावन कर रहा है। इसलिए भगवान का नाम कलिकाल में श्रेष्ठ साधन बताया गया। और यहाँ तक कह दिया कि अगर राम नाम कोई अपने इस जीव रूपी देहली द्वार पर रखे, राम नाम मणि दीप धरी जी है देहली द्वार, तो तुलसी भीतर और बाहर जो चाहे से उजियार। बाहर का प्रकाश हम सभी भूल रहे हैं, समाज में हमारा नाम हो, लोग जाने मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, दुकान है, बड़ा नाम है, उसके लिए सतत प्रयास है, लेकिन फिर भी जैसा हमने सोचा ना तो आज तक वैसा मेरा नाम हो पाया, ना तो मेरा वैसा मकान हो पाया, ना तो वैसा मेरे पास परिवार हो पाया, ना पत्नी अनुकूल हो पाई, ना पति अनुकूल हो पाया, ना बच्चे अनुकूल हो पाए, कोई अनुकूलता नहीं मिली, और भीतर के फिर मिलेगी कहाँ। लेकिन राम नाम रूपी मणि, मणि कहा दीपक नहीं, चिराग नहीं कहा, क्योंकि चिराग बुझेगा, लेकिन मणि तो आंधियों के, आंधी भी चल रही होगी तो उस आंधी में भी मणि बुझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, वो किसी से उधार में प्रकाश नहीं लेती है। चिराग तो उधार में प्रकाश लेता है, और तेल खत्म बत्ती जल गई बात खत्म, लेकिन जो मणि है, मणि को बुझाने की सामर्थ्य आंधियों में नहीं है, तूफान में नहीं है, और राम नाम रूपी ऐसी मणि है कि जिसने भी अपने जीवा रूपी द्वार पर, ये द्वार है, पहले आप लोग देखते होंगे जिन्होंने गांव का जीवन देखा होगा कि हमारी माताएं बाहर चौखट पे एक दीपक रखती थी, उस दीपक से क्या होता था, घर में भी थोड़ा प्रकाश आता था और बाहर भी दिखता था। ऐसे ही ये द्वार है, इस द्वार पर राम नाम रूपी मणि को रख लेंगे, निरंतर जपते रहेंगे, समाज में भी नाम अपने आप फैल जाएगा और भीतर भी आत्म निरीक्षण, आत्म अनुभव भी हो जाएगा। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। उनके नाम की महिमा को तुलसीदास जी ने कहा, अगर राम जी खुद बैठे कि मैं आज अपने नाम की महिमा को कहूंगा, भैया सब सुनो, तो राम जी भी